प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज तो आप शुरू कर जा रहे हाँ नवा चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसनों आप पंजाबी विच की कह सकते हाँ सतही खेत्रफल अते आयतन, चैप्टर का नाम है। लैक्चर नंबर 1 अज तो सब दे लैके आ चुके हैं, पहले आपने 2-3 चैप्टर पा दिते हैं, होर भी आप चैप्टर लैके आवेंगे, बस नीचे कमेंट करते करो कि चैप्टर चाहिए है। तो सब दे लैक्चर नंबर 1 होने वाला है अज का वीडियो, अज आप कवर करांगे पहला थोड़ा जा इंट्रोडक्शन, उस तो बाद पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो जरूर PSEB यानी पंजाब सिक्ख्या एजुकेशन बोर्ड इंग्लिश अते पंजाबी दोनों मीडियम विच पंजाब बोर्ड की यह बुक दी। तो जे तुहाने हज तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो वह कर दो, नाल कर दो इस वीडियो नूं लाइक, उस बैल आइकन नूं भी तुसर दबा दो ताकि तुहानूं मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सब तो पहला मिले। जो पहला स्टूडेंट्स ने पढ़े ने साडे जो असी समझाए ने उस तो ही तुसी साडा अंदाजा लगा सकते हो कि असी कितना चंगा समझाने हाँ। तो इसे दे कारण मैं सबनूं कहना हाँ कि तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लियो, वीडियो नूं कर दियो लाइक, यह सारा कुछ करना बिल्कुल फ्री है अते ये तुसी कर सकते हो। टैलीग्राम नूं भी तुसी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी बिल्कुल ज्वाइन करना फ्री है, उत्थे तुसी जाके जो अज तुसी ये काम करोगे उस दी काम करके पूरा मैनू फोटो भेज दियो टैलीग्राम के उत्ते, मैं तुस सब दा नाम अगली वीडियो में जरूर लै देवगा, यानी तुस सब नूं शाउट आउट दे देवगा। जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं 1500 rupees की साड़ी मैंबरशिप है उसनों तुसी खरीद सकते हो। तो चलो हुण बिना होर टाइम आप ज़्यादा यूज़ किए शुरू करते हाँ चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी चैप्टर इतने भी 11 ही आएगा, यह पुरानी बुक है सतही खेत्रफल अते आयतन, बट आप उस सिलेबस के हिसाब से चलेगा चलेंगे जो नवा सिलेबस है। तो हुण देखो तुहाडे फॉर्मूले ने जो वह ये दिते गए ने, एक तो है कर्वड सरफेस एरिया का, यानी जिसनों आप की कह सकते हैं शंकु की वक्र सतह का खेत्रफल, पहले लिए आपां नूं शंकु चाहिए होवे, शंकु यानी कौन कौन की हुंदा है, आइसक्रीम जो आप कहने हाँ आइसक्रीम जिस तरह खाने हाँ एक ट्रैंगूलर शेप का हुंदा है आइसक्रीम कौन हुंदा है, होर भी कई टाइप के कौन हुंदे ने वो तुसीं देख लियो जिवें कि इत्थे बढ़िया गया है। हुण देखो इसका कर्वड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे तो उसके लिए फॉर्मूला हुंदा है πr(l), यानी इसका वक्र सतह का खेत्रफल। हुण वक्र सतह की हुंदी है यानी कर्वड सरफेस की हुंदा है, हुण आप एक कोण मान लैंदे हां आइसक्रीम कोन विच आप कर्वड सरफेस एरिया फाइंड करा, क्यों करांगे, क्योंकि आप जो आले दुआले की चीज़ है उसका सरफेस एरिया चाहिए होंगे है, उसको बढ़ाने कि जो अपने बिस्कुट की लड़ पवेगी वो बिस्कुट का ही बने होते ज़्यादातर तो वह पता करना होंगे। बट जे तुम सब देखो कि कुछ कोण होंगे ने जो अपने शेपा की लड़ पैंती है, जिमें मान लिया टेंट, तो टेंट के क्यों होंगे, टेंट के नीचे वाला भाग कवर होंगे नहीं होंगे, कई होंगे कई बार नहीं होंगे। हुण जिस दे विच तां नीचे वाला भाग कवर होवे यानी बेस कवर होवे उस दे विच तां आपां यूज़ करांगे टोटल सरफेस एरिया का, यानी कि किसका यूज़ करांगे कुल सतह के खेत्रफल का, कुल सतह के खेत्रफल का। पर जिते वह कवर ना होवे आले दुआले वाला दा ही आपां यूज़ कर रहे बढ़ाने लई तां किसका यूज़ करांगे कर्वड सरफेस एरिया का, इस तो सब समझ आ गया होगा कर्वड सरफेस एरिया कितने यूज़ होगा टोटल सरफेस कितने यूज़ होगा। फॉर्मूले ये ने कि जो दिते गए ने मैंने सर्कल कर दिते ने, एक है πr(l) अद एक है πr(l+r)। हुण ये सारा कुछ आप सब समझाने ये है कि पाई की हुंदा है। हुण देखो पाई एक वैल्यू है जो कि सर्कुलर चीज़ा नूं माप करने लई, हुण इत्थे सर्कल किवें आ गए कई स्टूडेंट पुछणगे, जो इसका बेस हुंदा है कोण दा वह सर्कुलर हुंदा है, दैट्स वाई तो इस दे लई पाई आ चुक्या है। हुण पाई दा फॉर्मूला की हुंदा है, पाई दा फॉर्मूला हुंदा है तुहाडा पाई इज़ इक्वल टू 22/7 या जे दिते किते किते ना किते लिखिया होवे तां 3.14 वी उसनूं आपां लै लैंदे आ। पाई नूं की मानना है तो सब ने 22/7, ये तो सब नूं हजे नहीं समझ आएगा बट जब समझावांगे उदों अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हुण अगे है आर, आर की होवेगा, आर तुहाडा रेडियस होवेगा, रेडियस की हुंदा उसे सर्कल दा है सेंटर तो लैके किसी भी पॉइंट तक, ये तो सब समझ आ गया, मैं बिल्कुल बेसिक तो समझा रहा प्यार बच्चों, तो ही कहना कि इस टाइम जो साडा चैनल सब तो वधिया एक्सप्लेन कर रहा सारे स्टूडेंट्स नूं। अते एल की गल की जाए, एल हुंदी है जो यह लेंथ हुंदी है, कि लेंथ उसके टॉप तो लैके नीचे वाले तक एच तक जो लेंथ आँदी है उसको आप एल कह दें हाँ। तो इस दे नाल तो सब दा फॉर्मूला बन जाएगा πr(l), तो यह समझाने तो बाद विच है, पहले आप एक होर देख लो πr(l+r), इस विच की है पाई नू आर दे नाल मल्टीप्लाई करता एल प्लस आर नू प्लस करके फिर उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिता, यही पंजाबी दे विच फॉर्मूले ने, शंकु की वक्र सतह, शंकु का कुल सतह का खेत्रफल, बस यही सर। फिर बच्चे चलो एक्सरसाइज 11.1 यानी
की है थोड़ा ए वाला। हुण फस्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, पहला इंग्लिश पढ़ा फिर पंजाबी। डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी की कहा जा रहा है इतने, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और तिरछी उचाई 10 सेंटीमीटर है, इस दी वक्र सतह का खेत्रफल पता करो। हुण देखो तिरछी ऊंचाई मतलब एल हो जाएगा, तुहाडा अर्ध व्यास कितना हो जाएगा, व्यास होता है तुहाडा डायामीटर। मैं ये दसना भुल गया सी, अर्ध व्यास कहने आप रेडियस नूं। हुण डायामीटर नूं जे आप दो दिन डिवाइड कर देने, वो रेडियस के बराबर आ जाती है, यानी व्यास नूं दो दिन डिवाइड किया रेडियस के बराबर आ जाएगा। हुण ये आप सॉल्व कर दे, चलो आ जाओ सॉल्विंग शीट के उत्ते चलते हैं। हाँ जी, हुण डायामीटर आ दिता हो आपां नूं, कीता गया डायामीटर है 10.5 सेंटीमीटर, उस तो अपने रेडियस पता किया, यानी उसका अद्धा कर देता, अद्धा किमें करा उस टू देना डिवाइड करके, 10.5 ने अपने टू देना डिवाइड कर देना है, कि आएगा तो उत्तर 5.25। सलांट हाइट यानी थोड़ी तो जो इतने दिता गया है अर्ध व्यास तो सब ने लिखी लिया, पर सलांट हाइट ना पंजाबी की कहने हाँ तिरछी ऊंचाई, इतने की लिख दोगे तो सलांट हाइट जगह पर तिरछी ऊंचाई, अपनी बुक खोल के रख लो उतो पंजाबी के कीवर्ड्स लिख सकते हो। तिरछी ऊंचाई इसकी शंकु की किन्नी है 10 सेंटीमीटर। हुण इन्नी गल तो सबने समझ आ जाएगा, आ की होगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, की आ जाएगा तुहाडा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का की फॉर्मूला होंगे तुहाडा प्यारे बच्चों, मतलब इसको की कहने आप वक्र सतह का खेत्रफल, की कहांगे वक्र सतह का खेत्रफल का फॉर्मूला की है पाई आर एल। हुण देखो पाई मैंने तो सबने दस दिता सी, पाई आप की होंगे 22/7, आर कि है आर आपने कढ़िया है 5.25, एल एल आपको दिता हुआ 10 सेंटीमीटर। हुण आपने इन सबन मल्टीप्लाई कर देना है, तो 22/7 × 5.25 मल्टीप्लाई 10 यह हो जाएगा तुहाडा। हुण देखो जब पॉइंट होवे इत्थे, जब इत्थे पॉइंट होवे तां पॉइंट के नीचे वाला नंबर आपां नूं कुछ लैना पैंदा है, पॉइंट वालों आप कटिंग नहीं कर सकते, इस लिए आपां नूं एक दे नाल उन्ने जीरो डालने जिन्ने पॉइंट तो बाद नंबर होण, पॉइंट तो बाद किन्ने नंबर, एक अते दो, तो किन्ने आ जाने के 100 आ जाएगा, यानी 2 0 आ जाएंगे पैरे बच्चों। इस तरह होने मान लें आप एक होर एग्जाम्पल लें, जब 3.4 आ गए, पॉइंट तो बाद के नंबर ने एक है, तो पॉइंट नूं हटा के तो पॉइंट हटा देना है, और नीचे एक दे नाल एक जीरो लगा देने क्योंकि पॉइंट तो बाद एक नंबर है। इस तरह पैरे बच्चों जो क्वेश्चन शुरू करना आपां ने, तो चलो इन्ना कद तुसां नूं समझ आ गया होगा, पॉइंट नूं आपां ने हटा देना है बच्चों, हटा दें। हाँ जी, हुण कटिंग करनी है, 7 दे टेबल दे उत्ते 525 किन्ने ते आउंदा है, 75 दे उत्ते आ जांदा है। हुण आपां की करांगे, इस दी जीरो इस दे नाल कट गई, अते 10 अते 22 इह दोनों भी कट सकदे ने, 2 दे टेबल उत्ते इह 5 ते आवेगा, इह किन्ने ते आवेगा 11 दे उत्ते, 5 दे टेबल ते 75 किन्ने ते आवेगा, इह आवेगा तुहाडा कुल 15 दे उत्ते, 11 नूं 15 दे नाल गुणा कीता किन्ना आवेगा 165, यानी तुहाडा उत्तर किन्ना आएगा 165 मीटर स्क्वेयर। यह तो देखो जो कैलकुलेशन है वो तो तुसी पंजाबी और इंग्लिश दोनों में सेम करनी है, तो यही गल हुंदी है जो मैंने तो सबने समझाई है, की कर देना जो जिन्ना मैंने कहा सी बस वो क्वेश्चन कर लेना, तुहाडा उत्तर 165 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। फस्ट क्वेश्चन तो सब का इसे दे नाल हो जाएगा। चलो हुण आपां चलदे हाँ नैक्सट क्वेश्चन के उत्ते, तो प्यारे बच्चों दूजा प्रश्न है तुहाडा, एक शंकु की कुल सतह का खेत्रफल पता करो जिसकी तिरछी ऊंचाई 21 मीटर है, आधार का व्यास 24 मीटर है। इंग्लिश यह प्रश्न किमें हो जाएगा, फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, यह तो हो जाएगा इंग्लिश प्रश्न। तो प्यारे बच्चों स्लांट हाइट दी हुई है 21 मीटर, डायामीटर दिता है, डायामीटर तो सबन रेडियस पता करना सिखा दिता सी, दो दिन डिवाइड करके बस इस बार टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, गल उही है, सेम है बिल्कुल, होर कोई चक्कर नहीं। डायामीटर 22 मीटर दिता हुआ है, लेंथ दी हुई है 21 मीटर, स्लांट हाइट यानी जिसनों आप कह दें, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये तो सबने फॉर्मूला लगा देना। इस दे विच रेडियस किन्ना आ जाएगा डायामीटर नूं दो दिन डिवाइड करके 12 मीटर, अते स्लांट हाइट तो सबन दी हुई है 21 मीटर। हुण आप फॉर्मूला लगाने, पाई किन्ना होंदा 22/7, अते रेडियस यानी आर किन्ना हो जाएगा तुहाडा 12, ये फाइंड किया तुसीं सबने, रुक जाओ एक बार आप इसनों सैट कर लैंदे आ। हाँ जी, हुण इसनों आपने गुणा करना है प्लस करके रेडियस अते लेंथ दोवां नूं, यानी 12 ते 21 दोवां नूं तुसीं सबने प्लस कर देना है। हुण देखो 12 ते 21 दोवां नूं प्लस करोगे उसका मतलब की आ जाएगा तुहाडा 33 आ जाएगा, इत्थे जिवें लिखा गया है
33 आ जाएगा थोड़ा उत्तर प्यारे बच्चों दोनों प्लस करके। हूँ आप कटिंग कर सकते बिल्कुल ही आराम दे कटिंग तो नहीं होगी बट मल्टीप्लाई जरूर तुम सबने कर लेना है। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 22 नू 12 देना उसनू करोगे 33 दे नाल अदे लास्ट विच तो सब उत्तर किन्ना आएगा 1244.57 मीटर स्केयर। यह तो सब का कटिंग करके आंसर आ जाएगा तो प्यारे बच्चे खुद कटिंग करो इसकी अदे उस तो बाद तो सब का उत्तर आ जाएगा। कटिंग का की करनी है मतलब मल्टीप्लाई करके तुम सबने डिवाइड कर देना 7 के नाल यह करना है प्यारे बच्चे। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम तो सबने सिखा नहीं सकते वीडियो के क्योंकि यह बेसिक चीज़ा ने यह तो सबने सीख के आनिया पैनगियां। कई होर वीडियोस ने यूट्यूब उत्ते साडे भी चैनल के उत्ते दूसरे चैनल उत्ते वीडियोस ने जिस आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना सिखाया वह सीख सकते हो जे तो सबन नहीं आता नीचे कमेंट कर दे मैं तो सबने उसका लिंक भेज देवगा। चलो तीजी दे उत्ते आप चलते हाँ। इंक शंकु की वक्र सतह का खेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्केयर है इसकी तिरछी ऊंचाई 114 सेंटीमीटर है पता करो आधार का अर्धव्यास शंकु की कुल सतह का खेत्रफल यानी तो सबने पता की करना है क्वेश्चन समझो सब तो पहले कर्व्ड सर्विस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्केयर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर फाइंड फर्स्ट हैगा रेडियस ऑफ द बेस एंड सैकेंड टोटल सर्विस एरिया ऑफ द कोन तो ध्यान देना समझो प्यारे बच्चे थर्ड क्वेश्चन चलो। हाँ जी कर्व्ड सर्विस एरिया जो सबने दिता है 308 हूँ कर्व्ड सर्विस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल किस दे इक्वल हो जाएगा 308 दे हूँ पाई तो सबनों पता है पाई तो हमेशा पता होता 22/7 दिता हुआ है पाई आ गया 22/7 रेडियस तो सबने पता करना फस्ट पार्ट रेडियस अपन दिता नहीं हो सलान हाइट दिती हुई है 14 और 308 तो सबने दिता हुआ है। हुण मेरी गल सुनो जो इधर मल्टीप्लाई का होंदा है दूसरे जगह डिवाइड यह मैंने तो सबने पहला दी वीडियो से सिखाया है उत्थों तुसीं सीख सकते हो ये चीज़ा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई अते माइनस प्लस ये होंदे ने एक दूजी साइड जाके तो देखो हुण इन्ना क हो जाएगा जो इधर 14 है तुहाडा पहला तो 7 अते 14 नूं कट सकते आपां 7 दे डबल ते 14 किन्ने जाएगा 2 दे उत्ते हुण 22 अते 2 जो इधर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे ने दूसरे जगह किन्ने हो जाए की हो जाए हो जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। हुण देखो तो सबने की करना है 22 दे डबल ते 308 किन्ने ते आता है 14 दे उत्ते आ जाता है 2 दे डबल ते 14 किन्ने ते आता है 7 दे उत्ते आ जाता है रेडियस किस दे इक्वल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर दे फस्ट पार्ट तो सबका हो चुका है रेडियस किस दे इक्वल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर दे तो सबने एक बार दोबारा लिख के दिखा दें 22 दे डबल ते 308 आ जाता है 14 दे उत्ते अते 2 दे डबल दे उत्ते 14 आ जाता है तो 7 के उत्ते इस तरह हो जाएगा पर बच्चे उत्तर तो रेडियस रहेगा 7 सेंटीमीटर। अगे वधन तो पहला हज तक सबसक्राइब नहीं किया साडे चैनल नूं उह कर दिओ। चलो हुण आपां अगे वधदे हाँ तो यह इंग्लिश वालेयां नूं भी अते पंजाबी वालेयां नूं भी समझ आवेगा कर्व्ड सर्विस एरिया तो सबनों पता है की आएगा तुहाडा जो होंदा है अपना मैंने तो सबनों पहला भी दस्सिया सी इह होंदा तुहाडा यानी वक्र सतह का खेत्रफल अते सैकेंड पार्ट विच क्या गया शंकु की कुल सतह का खेत्रफल यानी तुहाडा की है इत्थे तो सबने फाइंड करना है टोटल सर्विस एरिया ऑफ द कोन तक पता कर दे। चलो यह इसे क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट है आपां नूं पता है लेंथ 14 सेंटीमीटर रेडियस आपां ने हुणी हुणी पता किया 7 सेंटीमीटर टोटल सर्विस एरिया का फॉर्मूला लगा देवे 22/7 × 7 × 14+7 हुण देखो 14 ते 7 दोनों नूं आपां ने की कर लिया प्लस कर लिया 21 आ गया एडी की क्वेश्चन बढ़ गई 7 दे टेबल ते 7 किन्ने ते आ गया कटिंग होगी मतलब कुछ नहीं बचा 22 नूं बस आपां ने 21 दे गुणा कर देना तो सब दा उत्तर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्केयर। एक बार दोबारा समझ लो पहला अपने फॉर्मूले दे विच वैल्यूज पुट कीतियां उस 7 नूं 7 नाल कट के कर दिता 22 नूं 21 दे गुणा कर दिता तुहाडा उत्तर आ गया 462 सेंटीमीटर स्केयर। इस तरह तो सब दा तीजा क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। चलो हुण आपां चलदे हां थर्ड क्वेश्चन दे उत्ते फोर्थ दे उत्ते चलो फोर्थ क्वेश्चन भी आपां हुण समझदे हां। शंकु दे आकार दा इक तंबू 10 मीटर उच्चा है और इस दे आधार का अर्धव्यास 24 मीटर है पता करो तंबू की तिरछी उचाई तंबू में लगे तारपाल की लागत जेकर 1 मीटर स्क्वायर तारपाल की कीमत 70 रुपए है। देखो बहुत ही कॉम्पलैक्स जहाँ क्वेश्चन आ चुका है पहला बेसिक बेसिक क्वेश्चन से हूँ औखा क्वेश्चन आ चुका है। अ कॉनिकल हाइट इज 10 मीटर हाई कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर फाइंड फर्स्ट स्लांट हाइट ऑफ द टेंट कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कैनवस इज 70 रुपए। चलो हुण तो सामने उसका कद दिता गया है यानी हाइट दी गई है यह मान लेना यह अपने टेंट होने वाला है। हुण टेंट जो आप इस बुक के एज्यूम कर रहे हैं वो इन्नी गल यूज़ कर लियो
उन्होंने हमेशा आपने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, नीचे वाला टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, यानी उन्होंने हिसाब से ना बेस नहीं होंगे टेंट का। कई टेंट के बेसिस होंगे ने, बट आपने अज्यूम वो नहीं करने ज़्यादातर के, क्योंकि नहीं होंगे। हुण देखो हाइट दी गई है इतने 10 मीटर, देखो कई स्टूडेंट सोचेंगे लेंथ दी गई है, एल दिता गया स्लांट हाइट, बट ये 10 मीटर हाइट है। हुण इसको तुसीं पता किवें करोगे, रेडियस दिता गया 24, बस तुसीं इस दे विच हाइपोटन्यूज़ का फॉर्मूला लगा देना। हाइपोटन्यूज़ के फॉर्मूले के हिसाब से ना की होंदा है, यानी जो तुहाडी हाइपोटन्यूज़ होंदा है वह उसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी हाइट की स्केयर प्लस आर की स्केयर, पाइथागोरस थ्योरम इसको आप कह दें। तो लेंथ की स्केयर किसे इक्वल हो जाएगी, हाइट कितनी है तुहाडी 10 की स्केयर, अते रेडियस कितना है तुहाडा 24 की स्केयर। यानी यह की हो गया, एक बार समझो, यह हो गया तुहाडा हाइपोटन्यूज़, यह होगी हाइट, यह हो गया बेस। इस तरह इसको ट्रीट किया जा रहा, जिहड़े स्टूडेंट नूं यह गल समझ आ गई उन्होंने लिए तो अच्छी गल है, बट तुसीं जिन्हां नूं यह गल नहीं समझ आ रही वह पाइथागोरस थ्योरम नूं पहला सीख लवो एक बार, जे सीखना नहीं भी चाहते तो तुसीं इसनूं प्रैक्टिस जरूर कर सकते, जो मैं क्वेश्चन हुण तुसीं सबनूं करावांगा। तो देखो 10 की स्केयर कितनी हो जाएगी, 10 की स्केयर 100 हो जाएगी, अच्छे 24 की स्केयर कितनी हो जाएगी, 576 स्केयर की होंगे। हम कई स्टूडेंट पूछणगे 10 की स्केयर का मतलब होंगे है कि तुसीं 10 नूं 10 दे नाल गुणा कर देवोंगे, 24 की स्केयर का मतलब होंगे 24 नूं 24 दे नाल गुणा कर देवोंगे, उसका वो होंगे तुहाडा। हुण देखो आ गया 676, हुण 676 दी आपने अंडर रूट फाइंड कर ली, 26 आ गया तुहाडा उत्तर, लेंथ कितनी आ गई 26। हुण जिहड़े स्टूडेंट नूं इह भी नहीं समझ आया उन्हां लई तां देखो आपां स्केयर रूट का एक वीडियो दे विच दसनी, बहुत ज़्यादा कॉम्पलैक्स हो जाती है, बस तुसीं इह याद कर लो। जिहड़े स्टूडेंट नूं आउंदी है स्केयर रूट कढ़नी, वो चंगी गल है, 8th क्लास में चैप्टर है आपने पाया हुआ, उत्थों जाके देख सकते हो कि स्केयर रूट किवें कढ़दे ने, या मेरे तो लिंक मंग लो, मैं तुसां नूं उसका लिंक सैंड कर देवांगा। तो चलो यह एल तो बढ़ा चुके, जो फस्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर देना है, सैकेंड में अपने कॉस्ट पता करना है कि जो तारपाल है उसका कॉस्ट पता करना है कि इसको बढ़ाने कितना लगे, तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना पवेगा सब तो पहले, तो फिर आप कॉस्ट पता कर सकेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया की कहने वक्र सतह का खेत्रफल, यह याद रखियो, इसनों पंजाबी इस तरह लिख सकते हो। उपर वाले लाइन कोई लिखने की लड़ नहीं, बस जिनी क लाइन मैं कवर करा उन्नी लिख लिया करो तुम सारे, बस होर सारे इगनोर कर दिया करो चाहे। हुण रेडियस तुहाडा है 24 अते स्लांट हाइट है 26, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट की हो जाएगा पाई आर एल यानी 22/7 24/26, यही हो जाएगा तुहाडा। हुण सबनों तो सबने मल्टीप्लाई कर लेना है, कि आएगा 13728। हुण कई स्टूडेंट तो होणगे जो इसको डिवाइड कर लेंगे, बट आपने थोड़ी जी इतने चलाकी वरतनी है, आपने डिवाइड नहीं करना है, 7 नूं नीचे 7 रहने दो, क्योंकि अगे जो होने वाला उस विच आपां डिवाइड करने की लोड़ ही नहीं पवेगी, बहुत ईजी हो जाएगा तुहाडा उत्तर। हुण पहला तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्केयर है कैनवस 70 रुपये का, कॉस्ट ऑफ 13728/7 मीटर स्केयर कैनवस कि हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कभी करना है। हुण देखो एक कुरकरे का पैकेट आ जाता 10 रुपये का, दो आ जाएंगे 20 के किवें होया मल्टीप्लाई के, उस तरह आपने इसनों भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 के टेबल से 70 कि आ जाएगा तुहाडा 10 के उत्ते। हुण इस आपने 10 दिनों गुणा कर दिता कि जाएगा 137,280 रुपये, इन्हें लग जाएंगे उसे कैनवस बना कैनवस के पैसे, जे 70 रुपये मीटर स्केयर कैनवस होया। तो प्यार बच्चे इस दिन तो सब यह वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, सबसक्राइब नहीं किया साढ़े चैनल को कर जरूर दियो, हजे तक जो सबसक्राइब नहीं किया। चलो हुण आप अगले क्वेश्चन उत्ते वधदे हाँ, अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हाँ। तो चलो थर्ड अपना पूरा हो चुका है, 8 मीटर उचाई के आधार का अर्ध व्यास 6 मीटर वाला एक शंकु के आकार का तंबू बनाने लिए 3 मीटर चौड़े तरपाल की किन्नी लंबाई लगेगी, यह मान के चलो कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तरपाल फालतू लगेगा। तो पैर बच्चे ध्यान देना सुनो की गल की जा रही है, इतने वट लेंथ ऑफ तरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटीरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। हुण जिथे दिता गया जिथे नहीं दिता गया 22/7 लेना है पाई नूं, उ 22/7 लेना जिथे कुछ नहीं लिखा हुआ पाई तो रिलेटेड, बट जिथे यह लिखा हुआ उत्थे तुसीं यही लेना है, पाई की दो वैल्यू होंगे 3.14 है 22/7, यह मैंने तो सबने 3.14 पहले दसिया नहीं, क्योंकि कई स्टूडेंट इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं, तो उसी इसका प्रयोग करना 3.14 का, उस तरह आप इस करा। चलो चलते हाँ, हाँ जी, तो हुण इत्थे क्वेश्चन विच कहा कि जा रहा है एक टेंट बनाउणा है, उसकी लेंथ है 8 मीटर
सॉरी हाइट है 8 मीटर, रेडियस है 6 मीटर, यह दोस्तों आपको पता चल गया होगा, यानी अर्धव्यास है 6 मीटर, ऊंचाई है 8 मीटर। आपां ने पता करना है उस नूं बनाउण विच टारपोलिन। हुण कई स्टूडेंट लैंथ विच कन्फ्यूज रहे, पर तुसीं सभ ने लैंथ नहीं पता करनी। लैंथ सिर्फ अते सिर्फ उसका टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करने लिए आपां ने पता करनी है, यानी कर्व्ड सर्फेस एरिया। तो चलो प्यारे बच्चे, आपां ने करना की है हुण इस दे विच, हाइट है तुहाडी 8 मीटर, रेडियस है तुहाडा 6 मीटर। तो चलो करते हैं हुण आपां, हुण टेक्निकल गल तो सब ने समझ आ गई होगी, रेडियस कितना है 6 मीटर, हाइट कितनी है 8 मीटर, पाई आर एल तुहाडा फॉर्मूला लगेगा, कर्व्ड सर्फेस एरिया तुसीं फाइंड करना है, मतलब मेन गल नहीं है। तो सब तो पहले आपां लेंथ पता करेंगे, स्लांट हाइट पता करेंगे। लेंथ मेरे मूहों निकल जाता है, कोई गल नहीं आपां। तो चलो लेंथ की स्केयर किससे इक्वल होंगी है, हाइट की स्केयर प्लस रेडियस की स्केयर, ये तो सबने दस दिता सी, यानी 8 की स्केयर तो 6 की स्केयर, 8 की स्केयर होंगे 64, 6 की स्केयर होंगे 36, दोनों प्लस किया 100, 100 होंदा है 10 की स्केयर, यानी लेंथ कि देगी 10 मीटर, कि देगी 10 मीटर। हुण कर्व्ड सर्फेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिता तो सबने, पाई इज इक्वल टू कर्व्ड सर्फेस एरिया यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल, पाई आर एल 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, यह फॉर्मूला लगेगा, यानी सब तो पहले तो 3.14 तो सारे चाहे 10 मल्टीप्लाई करो 31.4 आ गया, फिर 6 ना कर दो, चाहे तुम पहले 6 ना मल्टीप्लाई करके फिर 10 ना कर दो। इस जो आप 6 ना मल्टीप्लाई करें कि आएगा तो 1884 पॉइंट कितने लगेगा, यह अपन देख लेना है, यह पॉइंट लगेगा 18.84। इस दस देना कितना तो 1 पॉइंट अगे चला गया, यानी 188.4 मीटर स्केयर तुहाडा कर्व्ड सर्फेस एरिया आ गया पैरे बच्चों, इस तरह हो जाएगा। हुण मेरी गल सुनो, वह कह रहे हैं टारपोलिन यानी एक कपड़ा है जो उत्थे किया गया है, तरपाल किया गया पंजाबी विच, हाँ जी, तो 3 मीटर लंबा तरपाल है, किन्ने किन्ने लगनगे, मतलब तुम्हें कि मानना कि 3 मीटर लंबा एक क्लोथ है उस तो यह बनाया जा रहा है उन्होंने जोड़ जोड़ के, तो किन्ने लगनगे। हुण उसनों आपां डिवाइड कर देवे टोटल दे नाल तां तुहाडे कोल आ जाएंगे, यानी लेंथ किन्नी आएगी तुहाडी उस टारपोलिन दे क्लोथ दे किन्ने किन्ने होणगे उह फाइंड करन लई, यानी गिणती उन्हां दी पता करन लई, नंबर उन्हां दा पता करन दे लई तुसां नूं की लगेगा कि उसनों आपां ने 3 दे नाल डिवाइड कर देना, जिवें कि इत्थे कीता गया है। उपर वाले इगनोर कर दो, कोई चक्कर नहीं, 188.4 नूं जद आपां 3 दे नाल डिवाइड किया तुहाडा उत्तर आया 62.8 मीटर। 62.8 मीटर हुण उन्हां ने की किया गया है कि 62.8 मीटर तां तुहाडा ठीक ठाक हो गया, इन्नी लेंथ आ गई, बट कुछ वेस्ट हो गया, किसी 20 सेंटीमीटर के गलती हो गई, तो 20 सेंटीमीटर भी सबने उस जोड़ देना है। हुण कई जो बाले सियाने स्टूडेंट होणगे 62 विच 20 जोड़ देणगे, उन्हां दा उत्तर 82.8 आ जाएगा, बट वह बिल्कुल गलत है, 1 मीटर विच 1 सेंटीमीटर विच है, 20 सेंटीमीटर हो जाता 0.2 मीटर। तो उस तरह आपां ने इस नूं प्लस कर देना है, इत्थे कितना देगा 63 मीटर आ जाएगा जब प्लस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे तुहाडा उत्तर आ चुका है 63 मीटर इस क्वेश्चन का। हुण आप चलते हाँ नैक्सट क्वेश्चन के उत्ते। तो प्यारे बच्चे पंजवा प्रश्न है अपना, 8 मीटर उचाई है तो यदा अर्ध अर्धव्यास 6 मीटर, यह तो हो चुका अपना। चलो छेवें प्रश्न के उत्ते आप चलना है, शंकू के आकार की एक मकबरे की तिरछी उचाई और आधार का अर्धव्यास क्रमवार 25 मीटर और 14 मीटर है, इसकी वक्र सतह से 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्केयर दी दर नाल सफेदी करवाउण दा खर्च पता करना है। तो चलो करते हाँ, द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सर्फेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्केयर। हुण देखो एक मकबरा बनाया गया है जो कि कॉनिकल शेप दे विच है, उसी जो आपां ने स्लांट हाइट दित्ती गई है 25 मीटर, डायमीटर दिता गया है 14 मीटर, तो डायमीटर तो सब तो पहले आप रेडियस पता करेंगे, उस तो बाद उसका कर्व्ड सर्फेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि उसकी वाइट वॉशिंग करानी, उसके आले दुआले आपने जो पुट्टी कहते हैं आपी दे करवानी है, तो यानी चलो हूँ आप इस प्रश्न करते हाँ, कर्व्ड सर्फेस एरिया ही फाइंड करा, क्योंकि जमीन के उत्ते कदे भी पुट्टी होंगी नहीं, तो यह कारण है पैर बच्चों। चलो करते हाँ हूँ आप, कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ टॉम कितना है, पाई आर एल, यानी मकबरे का वक्र सतह का खेत्रफल पाई आर एल के बराबर हो जाएगा, पंजाबी विच दस रहा लिख लो प्यारे बच्चों। ओके हुण लेंथ कितनी है 25 मीटर, यानी स्लांट हाइट है जो तुहाडी, रेडियस यानी अर्धव्यास है 7 मीटर, किवें आएगा 14 2 डिवाइड करके, इन्नी क गल समझ आ गई। कर्व्ड सर्फेस एरिया फाइंड किया 22/7 × 7 × 25, तो 7 × 7 ने कट दिता, 22 × 25 दे गुणा कर दिता, 22 जब तुम 25 गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 550 मीटर स्केयर।
550 मीटर दे स्क्वायर तो सब दा उत्तर आ गया। हुण देखो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया किस दे इक्वल हो जाएगा 210 रुपए दे। 210 रुपए 100 मीटर स्क्वायर एरिया नू वाइट वॉश करन वास्ते लगदे ने, तां 1 मीटर स्क्वायर नू किन्ने लगणगे? हुण जो 100 इधर मल्टीप्लाई दा है, जद 100 मतलब इधर दी गल है कि 100 चीजां ओह 200 रुपए दी आ रही ने, तां 1 चीज किन्ने दी आवेगी? 2 रुपए दी। किवें आया? डिवाइड करके। उधर जाके की हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। 100 नू 210 देना डिवाइड कर देवेंगे, इसका मतलब डिवाइड ही होंगे कि 1/100 × 210, इसका मतलब डिवाइड होंगे, ये गल याद रखियो। तो इस तरह आपने डिवाइड कर देता, इसमें यही मान लो कि इस नीचे लिखे हुआ, तो इस नीचे लिख सकते 210/100, इस तरह लिख लो इसको। चलो प्यारे बच्चों, इतने क्लीयरली लिखा नहीं गया, आप इतने लिख दें 210/100। हाँ जी, हुण तो सब हो जाएगा, तो इस नीचे आपने 100 मान लेना, इसमें चाहे रहने दो। हुण 100 तो इसकी 0, एक ये इसकी 0, 51 देना गुणा किया कि आएगा तो 1155 रुपए, कि आएगा 1155 थोड़ा उसनों वाइट वॉश करवाण दे विच खर्चा लग जाएगा। तो प्यारे बच्चे इस दिन तो सब का यह भी हो जाएगा प्रश्न। हुण आप चलते हाँ अज की वीडियो के लास्ट सैकेंड क्वेश्चन के उत्ते। चलो, एक जोकर की टोपी विच शंकु के आकार की है, यानी जो जोकर की टोपी होंगी है, जिस आधार की अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, उचाई 24 सेंटीमीटर है, इस तरह दी 10 टोपियां बनाने दे लई लोड़िंदे गत्ते का खेत्रफल पता करो। यानी इंग्लिश च है, जोकर स्कैप इज इन फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना, यह कोन ही है तुहाडा। हुण देखो, जिसकी बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट है 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर टू मेक 10 सच कैप्स। थोड़ा थोड़ा जहा ही चेंज है, कोई ज़्यादा वड्डी गल तो नहीं है, एवें क्वेश्चन बहुत सारे कर लेने, खुद भी कर सकते पैर बच्चों, एवं का प्रश्न तो यह था, बट मैं तो सबने समझाउणी है तो समझांगे आपां नाल नाल ही। हुण देखो, सब तो पहले तो जोकर की कैप किवें होंदी है, जे तुसीं कैप देखी होवे, कैप के नीचे थोड़ी ना कुछ लग्या हुंदा है, बेस तो खाली हुंदा है, तो की होवेगा? सतही खेत्रफल यूज करांगे, वक्र सतह का खेत्रफल यानी कर्वड सरफेस एरिया यूज करांगे। की फॉर्मूला होगा? पाई आर एल। पहले आपां नूं एल पता करना पवेगा, क्योंकि इत्थे आपां नूं हाइट दिती गई है, उसकी हाइट किन्नी है 24 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। हुण फॉर्मूला लगा देवांगे आपां जिवें नॉर्मली लगाने हाँ, लेंथ की स्केयर इज इक्वल हाइट की स्केयर प्लस रेडियस की स्केयर, 24 की स्केयर हो जाएगी 576, 7 की स्केयर हो जाएगी 49, तो दोनों ने प्लस किया 625, लेंथ की स्केयर आ गई 625 के बराबर। हुण जो इधर वो उधर जाके हो जाएगी 625 के अंडर रूट, 625 किसकी स्केयर होंगी है 25 की, तो लेंथ कि आ जाएगी 25। हुण इन्नी गल आ गई, तो सबनों 22/7 नूं आपां ने रेडियस देना, रेडियस से 7 उसनों 25 देना, 7 नूं 7 नाल काट दिता 7 1 आ गया, 22 नूं 25 देना कितना 550। पिछले प्रश्न में भी इन्ना ही उत्तर थी, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, हजे पूरा प्रश्न का उत्तर नहीं आया। हुण देखो, सतही खेत्रफल एक जोकर की कैप का कितना आ गया तुहाडा, इसनों पंजाबी विच लिख लो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 जोकर कैप कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, अते 10 जोकर की कैप का कितना देवेगा, वक्र सतह का खेत्रफल ऑफ 10 जोकर की कैप टोपिया का किन्ना देगा, 10 नूं उस तरह गुणा कर दिना है 5500 सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा। पैर बच्चे तुहाडा उत्तर इस तरह, तो सब का यह प्रश्न भी हो जाएगा। हुण आप आ चुके हाँ अज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के उत्ते। जे अज तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो वह कर दिओ, नाल कर दिओ इस वीडियो नूं लाइक, तो सब ने बैल आइकन भी प्रेस कर देना है, टैलीग्राम नूं ज्वाइन कर लिओ, अते नाल ही 59 रुपीज़ साडी मैंबरशिप है उसनूं भी ज्वाइन कर लिओ। किसी बस स्टाप दे नूं पुराने गत्ते दे बने 50 खोखले शंकुआ द्वारा सड़क तो अलग किया होया है, हरेक शंकु का आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और उचाई 1 मीटर है, इन्ह शंकुआ नूं बाहरी सतह दे रंग करवाउण दा खर्चा 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दी दर नाल लागत पता करो, दा इह आपां ने करना है। यानी क्या की जा रहा है, अ बस स्टॉप इज बैरीकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स। वैसे तुम कहते ड्राइविंग की क्लासेस तो लिखते होंगे, बट किसी गेम के जरूर देखे होंगे कि जब भी ड्राइविंग की क्लासेस लेते हैं तो कोन रखे होंगे कि इस कोन के कोलो लंघना, बस उन्होंने आपने उन्होंने रिलेटेड क्वेश्चन ही है। हुण इस आप दिता गया कि उन्होंने डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, हाइट 1 मीटर है, बस ये तौर देते आपने फाइंड करना उन्होंने। चलो हूँ आप क्वेश्चन करते हैं, अपनी अज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलो हाँ जी, हुण कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या, पाई आर एल, आपू पाई भी पता कर, पाई तो आपको पता ही है, आर पता करना पवेगा, एल पता करना पवेगा,
हाइट जो सबने दिते गए 1 मीटर अते रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 किवें होगा मैंने तो सबन कह दिता सी कि जिवें तुहाडा हुंदा है सेंटीमीटर नूं जे तुसीं मीटर दे विच कन्वर्ट करना तो 100 दे नाल डिवाइड करना पवेगा कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। पहला तुसीं सबने रेडियस पता किया सी डायमीटर नूं 2 नाल डिवाइड करके इन्नी भी गल याद रखियो। हुण इह तुहाडा हो गया तुसीं सबने पता कर ली सलांट हाइट कितनी आ गई 1.02 मीटर। तो इस दे नाल तुसीं सब दा इह गल समझ आ जाएगी कैनरी स्केयर दा आपां ने कर लिया 1.02 मीटर आ गया तुहाडा उत्तर। हुण अगली गल ध्यान दे नाल सुणो कर्वड सर्फेस एरिया ऑफ वन कोन यानी एक कोन का कर्वड सर्फेस एरिया आप किवें फाइंड करांगे किवें करांगे पाई आर एल का फॉर्मूला लगा के इतने क्या गया सी पाई नू कितना लेना है 3.14 अते अंडर रूट 1.04 नू कितना लेना है 1.02 यह किया गया सी तां यह आपने लिता है इतने नहीं तो आप उन्ना भी मान सकते उस उन्होंने कहा सी तां आपने इस नू इन्ना ले लिया बस तो सबने इन्ना का पता किया उस वक्त उन्होंने दस्या होया सी कि इस नू इस तक ले लियो। चलो हुण 3.14 0.2 × 1.02 ने मल्टीप्लाई कर दिता जब मल्टीप्लाई किया सबनों तो उत्तर है 0.64046 मीटर स्केयर। देखो मल्टीप्लाई करके उत्तर है कोई ज़्यादा वड्डी गल तो नहीं है। हुण 50 कोन लगे ने तो 50 कोन का की हो जाएगा तो 50 नू आपां ने मल्टीप्लाई कर देना इस दे नाल कितना आ जाएगा 32.028 मीटर स्केयर इन्ना आ गया पैर पिछे तो सब दा उत्तर। हुण कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्केयर 1 मीटर स्केयर नू पेंट करन वास्ते 12 रुपए लगनगे अते इह किन्ने नेगे अपने 32.028 मीटर स्केयर ने तो 12 नू इस दे नाल गुणा कर देवांगे 384.336 आ जाएगा। इसनू तुसीं अप्रोक्सीमेटली किवें लिख सकते हो 384.34 अप्रोक्स तो पैर पिछे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी कॉस्ट ऑफ उसनू रंग करन दा खर्चा किन्ना देवेगा 384.34 मीटर स्केयर। इस दे नाल ही प्यारे बच्चे तुहाडा ये हो जाएगा ये प्रश्न मैं तुहानू दस देना उन्ना ज़्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है बट एक बार तुहानू इस दी प्रैक्टिस जरूर लोड़ है तो जरूर प्यारे बच्चे धन्यवाद इस दी वीडियो देखने लई साडे चैनल नू कर दिओ सबसक्राइब।